इस टॉपिक का टाइटल है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और जिसे डीएसएल कहा जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द दूजेज ऑफ डीएसएल फॉर इंटरनेट जो फिगर्स हैं और जो मटेरियल तो, uh, है इन दिस टॉपिक दे हैव बिन अडेप्टेड फ्रॉम वूडम्स बुक कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्स्ट स्टेप जो मॉडर्न हैं मॉडर्न यूज द फोन लाइन टू मेक वट द टेलीफोन कंपनी थिंक्स इज ए वॉइस कॉल सो यू कैनॉट मेक अनदर कॉल वैल यू आर सर्फिंग द इंटरनेट अगर आप मॉडर्न यूज कर रहे हैं इंटरनेट को सर्व करने के लिए तो आप इन पैरल एक और वॉइस कॉल नहीं कर सकते अगर इसका एक और बिग नेगेटिव मॉडर्न का क्या है उसकी स्पीड भी बहुत थोड़ी होती है लाइक फिफ्टी सिक्स किलोमीटर्स पर सेकेंड जो डी एस एल है या जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है इट्स एन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा टू एंड फ्रॉम द आई एस पी यूजिंग द सेम ओल्ड फोन लाइन बट रनिंग एट ए हायर स्पीड तो डी एस एल वही चीज प्रोवाइड कर रही है वही फिजिकल वही फिजिकल केबल्स यूज कर रही है लेकिन क्या काम कर रही है अचीव क्या हो रहा है हमें हम हायर स्पीड के साथ डेटा को सेंड कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और अगर आपने वॉइस कॉल करनी है तो आप वॉइस कॉल भी कर सकते हैं आई पी पैकेट साइमल्टेनियसली बट इट इज लिटल मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू मॉडर्न जो डी एस एल है इट अलाउज इट अलाउज टू यूज द सेम ओल्ड एनालॉग सिग्नल टू बी सेंड ओवर द लाइन बाय द फोन हम वही एनालॉग वॉइस सिग्नल यूज़ कर रहे हैं जो मॉडर्न केस में यूज़ किया था एट द सेम टाइम डीएसएल अलाउज ए सेपरेट डिजिटल सिग्नल टू गो ओवर द सेम फोन लाइन तो अब आप क्या कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए आप डिजिटल सिग्नल यूज़ कर रहे हैं और वॉइस कॉल करने के लिए आप वही एनोलाग वॉइस सिग्नल यूज कर सकते हैं द टेलीफोन जेनरेट्स एनोलॉग सिग्नल विच आर रेंजिंग फ्रॉम जीरो टू फोर किलोहट्स टेलीफोन का जो एनलॉग सिग्नल्स हैं वो इस रेंज में लाइक करते हैं हम जो स्पीच करते हैं उसकी जो ज्यादातर फ्रीक्वेंसी है वो किस रेंज में लाइक करती है 300 हंड्रेड टू थर्टी थ्री हंड्रेड में लाइक करती है जो डिजिटल डी एस एल है उसका जो डिजिटल सिग्नल है इट यूज फ्रिक्वेंसीज हायर देन फोर थाउजेंड हर्ड्स ना जब फ्रिक्वेंसीज अगर आप देखें तो ओवरलैप नहीं कर रही अगर फ्रिक्वेंसीज ओवरलैप नहीं कर रही तो हमें इंटरफेरेंस का कोई खतरा नहीं है सो दिस डिजिटल सिग्नल वोंट इंटरफेयर विद ह्यूमन स्पीच एंड हियरिंग डीएसएल यूजेस द सेम लोकल लूप वायरिंग दट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बिटवीन द सेंट्रल ऑफिस एंड द हाउस तो सेंट्र जो टल्को का जो सेंट्रल ऑफिस है और घर के दरम्यान जो लोकल लूप की वायरिंग है कोई चेंज नहीं आएगी बट नाउ दी ओ कनेक्ट्स द लोकल लूप वायरिंग टू ए डिवाइस कॉल्ड ए डी एस एल एक्सेस मल्टी डी स्लैम भी कहते हैं जो डी स्लैम है उसका काम क्या होता है जो डी स्लैम है इट स्प्लिट्स आउट द डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द लोकल लूप तो उसको स्प्लिट करने के बाद वो क्या करता है जो डी स्लैम है वो एनालॉग वॉइस सिग्नल किसको हैंड ओवर करेगा टेलीफोन स्विच को देगा और जो डिजिटल सिग्नल था उसको किसको हैंड ओवर करेगा टू द राउटर करेगा अगर इस डायग्राम में देखें तो हम लोगों ने क्या दिखाया हुआ है एनडी का पीसी दिखाया हुआ है एनडी का पीसी सी इथरनेट के साथ कनेक्टेड है एक डीएसएल राउटर या डीएसएल मॉडेम के साथ कनेक्टेड है ये जो डीएसएल का जो मॉडेम है जो राउटर है ये कनेक्टेड है एक स्पलेटर के साथ डिजिटल सिग्नल विच इज़ हैविंग फ्रिक्वेंसीज हायर देन फोर किलोहर्ट्स ये यहाँ पे इस लाइन पे जा रही हैं इसी स्पलेटर के ऊपर अगर आप देखें तो एक आउटपुट कहाँ पे कनेक्टेड है एन का जो एनालॉग फोन है उसके साथ भी कनेक्टेड है और एनालॉग डिवाइस जो हैं वो जीरो से फोर किलोहट्स इसके ऊपर ट्रांसमिट हो रही हैं ये जो स्प्लिटर है इसके साथ लोकल लूप के साथ कनेक्टेड है और ये साथ दिखाया गया है मे बेरी का एक सेंट्रल ऑफिस दिखाया गया है मे बेरी का जो सेंट्रल ऑफिस है इसमें जो लोकल लूप है वो जाके डी स्लैम के साथ कनेक्टेड है तो डी स्लैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करता है डिजिटल सिग्नल को डेटा को आईपी ट्रैफिक को स्प्लिट करके ISP का जो राउटर है उसकी तरफ भिजवा देता है और ऑन द अदर साइड जो डी स्लैम है उसका जॉब क्या है कि वो जो एनालॉग सिग्नल था जो एनालॉग वॉइस थी उसको क्या किया वॉइस स्विच की तरफ भिजवा दिया और वॉइस स्विच क्या कनेक्टेड है आपका जो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है उसके साथ कनेक्टेड है और बाकी उसी तरह कम्युनिकेट कर रहा है सो दिस इज हाउ द डी एस एल वर्कस डी एस एल के डिफरेंट वेरियंट्स अवेलेबल हैं सम डी एस एल वेरियंट्स अलाउ द लोकल लूप टू बी मच लॉन्गर दैन सम अदर डी एस एल वेरियंट्स वेयर ओनली अलाउ फॉर अ शॉर्टर लोकल लूप छोटी थोड़ा सा छोटा सा लोकल लूप अलाउ करते हैं जो शॉर्टर लोकल लूप हैं उसके ऊपर जो ट्रांसमिशन रेट्स हैं वो मच हायर हो सकती हैं दिस इज एक्चुअली ए डिजाइन ट्रेड ऑफ बिटवीन द डिस्टेंस एंड ट्रांसमिशन रेट द स्पीड एट विच द डेटा गोज फ्राम द इंटरनेट टू द होम इज फास्टर दैन द अदर डायरेक्शन दिस फीचर इज कॉल्ड एसमेट्रिक ट्रांसमिशन रेट तो जिस डेटा रेट के साथ हम डेटा को अपलोड करते हैं और जिस ट्रांसमिशन स्पीड पर हम डेटा को डाउनलोड करते हैं ये दोनों डिफरेंट होती हैं इनको एसमेट्रिक ट्रांसमिशन रेट कहा जाता है एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है मोर बैंडविथ इज रिजर्व फॉर डाउनलोडिंग एज कंपेयर्ड फॉर अपलोडिंग सो इस टॉपिक में हम लोगों ने डी एस एल की जो बेसिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया है